सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पोको लॉन्चर 4.0 के ऑफिशियल अपडेट के बारे में। या तो आप लोगों के डिवाइस के अंदर ये जो अपडेट है ना, वो यहाँ पर शो हो गया होगा सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर, और अगर इसके अंदर शो नहीं होता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो और कौन कौन से नए फीचर है ना वो इस अपडेट के अंदर ऐड किए गए हैं। और ये ऑफिशियल अपडेट है ना वो यहाँ पर पोको की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं पोको X3 प्रो डिवाइस के लिए और पोको M4 प्रो 5G डिवाइस के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट यहाँ पर देखते रहिए, कंप्लीट फीचर के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक का, तो आई होप आप लोग इसको जल्दी से यहां पर कंप्लीट करा दोगे। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहां पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियो है ना वो यहां पर मिलती रहे। अब दोस्तों, मैंने आपको रात को ही बता दिया था कि पोको लॉन्चर 4.0 का ऑफिशियल अपडेट है ना वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है कुछ पोको के डिवाइस के लिए, और मैंने आपके साथ में ओरिजिनल जो APK है ना वो भी यहाँ पर शेयर कर दी थी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोको X3 प्रो डिवाइस के लिए ऑफिशियल अपडेट है ना वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर, और इसकी जो यहाँ पर फाइल है ना वो एक्सट्रैक्ट भी हो चुकी है, और वो भी मैंने आपके साथ में रात को ही यहाँ पर शेयर कर दी थी कि आप लोगों को यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस है ना वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अभी बेसिकली मेरे डिवाइस के अंदर पोको लॉन्चर 4.0 का जो अपडेट है ना वो इंस्टॉलमेंट नहीं करके रखा है, आपके सामने मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। आप लोग देख सकते हो वर्जन नंबर है 2.20.1, तो एक बार इसको यहां पर इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल करने के बाद में चेक करते हैं आप लोगों को कौन कौन से फीचर है वो यहां पर मिलते हैं या फिर नहीं। जैसे कि एक कमाल का फीचर है वो आपको मिलता है एनिमेशन कंट्रोल का फीचर, तो वो इस अपडेट के अंदर ऐड किया गया है या फिर नहीं, ये देखने वाली यहां पर बात रहती है। तो यहां पर फाइनली अपडेट इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि एनिमेशन है ना वो भी आप लोग यहां पर देख के समझ गए होंगे। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं पोको लॉन्चर 4.0 का जो अपडेट है वो सक्सेसफुल यहां पर इंस्टॉल हो चुका है 4.38.0.4918, तो ये आप लोगों को वर्जन नंबर है ना वो देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट चेंज के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर मिलता है। तो आपको सिंपली यहां पर कुछ इस तरीके से स्वाइप करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हो ये एक नया फीचर है ना वो यहाँ पर ऐड किया गया है, जहां पर आप लोगों को नया वाला जो लेआउट है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो विजेट्स के अंदर तो मुझे नहीं लगता है नए वाले विजेट्स है ना वो यहाँ पर ऐड किए जाएंगे, और सही है नए वाले विजेट है ना वो अभी तक भी यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं पोको लॉन्चर 4.0 के लेटेस्ट अपडेट के अंदर। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर एक रेडमी और MI डिवाइस के यूजर है तो उसके अंदर आपको सिस्टम लॉन्चर है ना वो मिलता है, उसके अंदर बहुत ही पहले से यहाँ पर जो विजेट्स की कैटेगरी है इसके अंदर नए वाले विजेट्स है ना वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर अभी तक भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बात कर लेते हैं हम लोग सेटिंग के बारे में, तो इसके अंदर जाना है आपको मोर के अंदर, और यहाँ पर पूरी की पूरी आप लोगों को नई सेटिंग है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन है वो फाइनली यहाँ पर ऐड कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर, और अगर आप लोग कोई ऐसा डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो जिसके अंदर आपको रैम है ना वो यहाँ पर 4GB है वो मिलती है, तो उसके अंदर आप लोगों को ये वाला फीचर है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। पहले मैंने आपको बता दिया है अगर आप लोगों के पास में 6GB या फिर उससे कोई अपर वाला वेरिएंट है तो ही आप लोगों को यहाँ पर ये वाला फीचर है ना वो यहाँ पर मिलेगा जो कि एनिमेशन का है। अगर आप लोग इधर की साइड प्रेस करोगे तो इधर से यहाँ पर ये ओपन होगा, राइट साइड से करोगे तो इधर से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ तीनों के अंदर आपको एनिमेशन है ना वो किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है ऑफिशियल अपडेट के अंदर। तो सिंपली एक बार फास्ट वाली एनिमेशन है ना उसको चेक कर लेते हैं, और आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना इसके अंदर आपको सबसे अच्छी एनिमेशन है ना वो यहाँ पर कौन सी देखने को मिल रही है। तो ठीक ठाक आपको एनिमेशन मिलती है, बेसिकली मेरे को तो इसके अंदर कोई फास्ट वाला देखने को मिला नहीं है, बाकी देखते हैं बैलेंस्ड के अंदर कैसी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गाइज आप लोग देख तो बैलेंस्ड के अंदर ये एनिमेशन आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिलती है, डिफरेंस मुझे तो यहाँ पर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को इसके अंदर डिफरेंस है वो पता लग रहा है तो आप लोग जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले फीचर के अंदर जो कि जिसका ऑप्शन है रिलैक्स्ड, तो
मेरे हिसाब से ये आप लोगों को सबसे ज्यादा एनिमेशन है ना वहाँ पर पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको एनिमेशन है वो यहाँ पर काफी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये वाली मेरे को ठीक लगी, रिलैक्स्ड वाली। इसके अंदर आप लोगों को एनिमेशन है वो ना ही तो ज्यादा स्लो मिलती है और ना ही आपको ज्यादा ऐसे फास्ट देखने को मिलती है, ठीक ठाक यहाँ पर एनिमेशन है ना वो यहाँ पर वर्क करती है। तो इनमें से आप लोगों को सबसे अच्छी एनिमेशन है वो यहाँ पर कौन सी लगी, जरूर से आप लोगों में यहाँ पर बता सकते हो। बाकी दोस्तों बात करें ऐप ड्रॉवर के बारे में, सो ऐप ड्रॉवर के अंदर आपको वही सेम वाले फीचर है ना वो मिलते हैं, 2-3 को आपको ऑफ करके रखना है वरना यहाँ पर परेशान हो जाओगे। स्क्रीन के अंदर आपको गूगल डिस्कवर और ऐप वोल्ट दोनों के यहाँ पर जो सेटिंग है ना वो मिल जाती है, और ऐप वोल्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भी मेरे हिसाब से विजेट्स है ना वो यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को चेंजेस है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ऐप वोल्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ और सेटिंग के बारे में। तो आइकन की साइज है उसको आप लोग यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन है वो प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हो इसका जो लेआउट है वो आप लोगों को चेंज करना है तो 4x6 और 5x6 है इसका आप लोगों को ऑप्शन है ना वो यहाँ पर मिल जाता है, ग्लोबल आइकन एनिमेशन। तो ये एक ऑप्शन है जिसको कि ऑन करने के बाद में जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना जैसे कि टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया या फिर ट्विटर हो गया, उनके अंदर भी आपको एनिमेशन है ना वो देखने को मिलेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसके अंदर भी एनिमेशन है ना गाइज वो आप लोगों को देखने को मिलती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है अगर आपकी डिवाइस के अंदर ये वाला जो अपडेट है वो सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर शो नहीं कर रहा है, जैसे कि मेरे डिवाइस के अंदर नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ये वाली एपीके है इसको इंस्टॉल कर लेना है और कुछ चेंजेस है ना वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को एपीके है वो मिल जाएगी सहेज सेन अपडेट टेलीग्राम चैनल के अंदर, जिसको कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो और ये एपीके है ना उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कुछ इस तरीके के कमाल के 4K क्वालिटी के वॉलपेपर है वहां पर पसंद है तो आप लोग हमारा ये वाला टेलीग्राम चैनल है इसको विजिट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपके साथ में बहुत ही अच्छे वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर शेयर करके रखे, जिनकी क्वालिटी है वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा सुप्रीम देखने को मिलती है। तो इस टेलीग्राम चैनल का नेम है सहेज वॉलपेपर, इसको भी आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मुझे तो इस अपडेट के अंदर कोई भी यहाँ पर लेग की या फिर हैंग की प्रॉब्लम है ना वो देखने को नहीं मिल रही है, रात से मैं इस अपडेट को यूज कर रहा हूँ बिल्कुल भी यहाँ पर प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। कंट्रोल सेंटर है वो एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, और नया वाला कंट्रोल सेंटर है उसको भी मैंने यूज कर लिया है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। और अगर आपको इसको अनइंस्टॉल करना है तो सेटिंग को ओपन करना है, जाना है आपको एप्स के अंदर और जाना है मैनेज एप्स के अंदर, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है पोको लॉन्चर और अनइंस्टॉल अपडेट है वो यहाँ पर कर देना है। तो गाइज मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।